दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। वेलकम टाइगर, वेलकम सुरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि प्रणाम सर। सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के टॉप, मतलब बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनका नाम गूंजता है उनका आज मुझे स्पेशल आशीर्वाद मिला है और मुझे मौका मिला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी साथियों को, सभी जितने भी डायमंड्स एंड अबव हैं, डायमंड्स, डबल डायमंड्स, वीनस, मरकरी, क्राउन, सब सारे ग्रेट लीजेंड्स को मेरा नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम सर। और मेरे जितने भी साथी हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्रेसर, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, जितने भी मेरे साथी हैं सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद सर। ग्रेट सर, परमिशन है तो स्लाइड से कर लो। आज तो कमांडो की कमांड होगी सर। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू, वेलकम जी सर। स्लाइड आ रही है सर? हाँ, आगे स्लाइड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास दिन है। जब से मुझे इस चीज का पता लगा कि मुझे इस पैनल पे आना है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैनल पे आके मुझे बात करने का, मुझे अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा मतलब मोटिवेट हूँ। और ये बहुत ही सौभाग्यशाली पल है, मैंने जीवन में कभी भी सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैनल पे मुझे बात करने का मौका मिलेगा रियल में, तो दिल मेरा गदगद है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ग्रेट लीजेंड सिग्रीवाल साहब का, बहुत बहुत जोरदार तालियां एक बार सर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया। और हमारे जितने भी पैनल पर जितने भी हमारे टॉप लीजेंड बैठे हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी गाइडलाइन की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ परम पिता परमेश्वर का, माता चंद्रवदनी देवी का, जिनके आशीर्वाद की वजह से, उनके कृपा की वजह से आज मुझे मौका मिला है आप सब लोगों के बीच में आके बात करने का। इनका स्पेशल आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है और इनकी वजह से जो भी चीजें पॉसिबल हो पा रही है उनकी वजह से हो पा रही है। ये मेरा एक छोटा सा परिवार है, मदर फादर साथ में और एक वाइफ है और साथ में तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आर्मी के अंदर आया हूँ, आर्मी में मैंने 17 साल जॉब किए, आर्मी में आने के बाद और हमेशा इस बिजनेस में आने के बाद भी परिवार ने मेरे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की नंबर वन कंपनी सेफ शॉप में आने का जब से मौका मिला है, रियल में बताऊं जिंदगी यू टर्न हो गई, एक फौज का सिपाही बता नहीं सकता हूं मैं आपको, मेरी लाइफ के अंदर कितना बड़ा चेंजमेंट आया, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल यू टर्न हो गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं सेफ शॉप इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता तो आज भी मेरे काफी सारे साथी हैं जो मेरे साथ रिटायरमेंट आए थे वो अभी कहीं गार्ड ड्यूटी करते हैं, तो इस सिस्टम के लिए, इस कंपनी के लिए एक बार बहुत ही जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, बहुत थैंक यू सर। और अगला शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेफ शॉप का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, जिसकी वजह से मैं एक स्पोर्ट्समैन बैकग्राउंड से था और हमेशा जीवन में कभी बात करना तो बात करने में मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था, बहुत ही सिंपल और शाही मेरा नेचर हुआ करता था, लेकिन आज जो भी चीजें हो पा रही हैं सिस्टम की वजह से हो पा रही हैं, मैंने पूरे जीवन के 17 साल एक सिर्फ टी शर्ट और एक लोअर में निकाला है सर, तो मैंने कभी ये ड्रेस कोड पहनना, बातें करना और सिस्टम कुछ भी मुझे पता नहीं था, ये सारी चीजें जो सिखाई हैं सारी की सारी चीजें सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं, अगर ये सिस्टम नहीं हो पाता तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम का। ये हमारे कंपनी के सारे पांचों डायरेक्टर्स हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने आज से 21 साल पहले एक डिसीजन लिया, इनकी डिसीजन की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों के घरों पे खुशियां जा रही हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे के सारे मेरे ग्रेट लीजेंड्स हैं जिनकी गाइडलाइन की वजह से, जिनके मार्गदर्शन की वजह से आज मैं लगातार काम कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अगर इन लोगों का साथ और इन लोगों का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता, तो सबसे पहले शुक्रिया हम सबके लीजेंड नरसिंह ग्रेवाल साहब का, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर को देखने के बाद, सर को सुनने के बाद, और सर का एक डायलॉग, मैंने इस डायलॉग को सुना सुना के लोगों को मैंने हजारों डिग्रियां निकाली है,
सर जो एक डायलॉग बोलते थे स्टेज के ऊपर कि आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट, इस डायलॉग का मैंने हजारों फौजियों को सुनाया है और उसकी वजह से मैं इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर का। मिस्टर सुनहरी लाल साहब का, सर का स्पेशल आशीर्वाद मिलता है, सर से डायरेक्ट कॉल पे बात होती है और सर से जो भी चीजें गाइडलाइन, जो भी कभी मन में कोई डाउट आते हैं, कोई भी शंका आती है तो सर का हमेशा साथ मिलता है, सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल जो आशीर्वाद मिलता है मिस्टर राजवंश नागल साहब का, क्योंकि सर भी फौजी बैकग्राउंड से, मैं भी फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर भी फौजी बैकग्राउंड से, मेरी पूरी टीम भी फौजी बैकग्राउंड से, तो सर सारी चीजों को समझते हुए लगातार इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं, बातचीत करते हैं। और सर को मैंने पहली बार एक स्टेज के ऊपर देखा था और जब मैंने सर को स्टेज पर देखा तो मुझे लगा यार इस आदमी के जैसे बनना चाहिए और आगे भी इस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैंने सर के साथ में जब से सर से बातें शुरू हुई है लगातार तेजी से काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नागल साहब का, डॉक्टर एमपी साहब, राठौर साहब, विक्रम सर, एनपी चतुर्वेदी साहब, इन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इनसे बातचीत होती रहती है, जब भी मौका मिलता है इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हर बार एक ही चीज ये बताते हैं कि यार आपको जीवन में तेजी से कैसे ग्रोथ करनी है। मिस्टर विनीत त्यागी साहब, सतीश सर, लक्ष्य सर, सोहन सर, सुनील सर, डीएस यादव साहब, ये सारे के सारे मेरे ग्रेट लीजेंड हैं जिनका हमेशा पल पल पर मुझे आशीर्वाद मिला है और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इनका जीवन मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। और ये हमारे कमांडो टीम के धुरंधर शर्मा साहब, टॉप लीडर, फाउंडर लीडर, अगर कमांडो टीम की बात करें तो इन्होंने जब से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, ये वो आदमी शख्स हैं जिन्होंने कमांडो टीम की नींव डाली थी और इनकी गाइडलाइन में काम करते करते बहुत आज कमांडो टीम 22,000 से बड़ा नेटवर्क बना लिया है। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर मनमोहन साहब जो मेरे रोल मॉडल हैं, जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं, इनकी गाइडलाइन में काम करते करते मैंने जब से मैंने बिजनेस की शुरुआत की है लगातार इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनके कदम पर कदम चल रहा हूँ, जो भी ये चीजें करते हैं लगातार इनके साथ मिलकर कर रहा हूँ। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर यार प्रजापत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेरे ग्रेट लीजेंड्स को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा छोटा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम सुरेंद्र पवार है और मैं उत्तराखंड देहरादून का, बेसिकली मैं देहरादून से रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन मात्र 10th क्लास है। पहले मैं 10th के अंदर फेल हो गया था पहली बार में, फिर दूसरी बार किसी तरीके से मैं पास हो गया और पास भी बस ऐसे हुआ कि मेरे मुश्किल से मतलब पासिंग मार्क्स आ पाए। मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाई स्कूल के अंदर मैंने जब 6th क्लास के अंदर मैं गया था तो मैंने ABCD सीखी थी और धीरे धीरे मैंने किसी तरीके से हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास भी मैंने इसलिए किया कि जॉब के लिए किया। मेरे फादर भी एक आर्मी बैकग्राउंड से थे तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि बेटा तेरे को हाई स्कूल करते ही तेरे को बस एक ही काम करना है कि आर्मी के अंदर जाना है। और मैंने हाई स्कूल पास किया ही इसीलिए कि मुझे आर्मी के अंदर जाना था और ऊपर वाले का परमपिता परमेश्वर का स्पेशल आशीर्वाद रहा कि मैं पहली बार में महाराष्ट्र के अंदर नागपुर एक जगह पड़ती है वहां पर मैं गया और पहली भर्ती में मैं आर्मी के अंदर चला गया और वहां पर मैंने आर्मी के अंदर रहा। आर्मी में मैंने 17 साल जॉब की, वहां पर मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाने का मौका मिला, NSD कमांडो में वहां पर रहा और अभी फिलहाल मैं सेफ शॉप के अंदर डायमंड हूँ। तो ये मेरा छोटा सा घर है जो 96 से पहले का मेरा घर है, ये टिहरी गढ़वाल के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम है तो वहां पर ये मेरा गांव है, वहां पर मैंने अपना जीवन बिताया है, मेरी शुरुआती दौर है। और उसके बाद हम 96 में देहरादून के अंदर शिफ्ट हो गए थे। ये मेरी शुरुआत है 15 फरवरी 2003 को मैंने आर्मी के अंदर मेरी ज्वाइनिंग हुई और 17 साल आर्मी के अंदर जॉब करने के बाद मैंने 29 फरवरी 2020 को लॉकडाउन के अंदर मैंने रिटायरमेंट किया और अपनी VRS को जॉब करके अब फुल टाइम इस बिजनेस सेफ शॉप के अंदर काम कर रहा हूँ। 17 साल मैंने आर्मी के अंदर जॉब की। तो मेरा शुरू से जब से मैं आर्मी के अंदर मैंने ज्वाइनिंग की तो हमेशा जीवन में बस एक ही काम करना चाहता कि यार कुछ बड़ा करना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। तो मैंने बहुत सारे काम किए, मेरे 4-5 साल जब मेरी जॉब शुरुआत हुई तो 4-5 साल मैंने अपनी जॉब को खूब इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद एक बार क्या हुआ, एक बार मेरी सिस्टर ने रक्षाबंधन के टाइम पे मेरे से एक मोबाइल गिफ्ट में मांगा 2006 के बाद, और उस टाइम फौजियों की जो तनख्वाह होती थी 5,000 ऐसे हुआ करती थी। तो मैं उसको एंड्रॉइड सेट गिफ्ट करना चाहता था लेकिन मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत मतलब उससे तकलीफ हुई, मुझे बहुत दर्द हुआ और मैंने अपने आप से वादा किया यार कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तो मैंने अपनी जॉब के साथ बहुत सारे काम किए, हर बार मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था, कुछ ना कुछ मैंने ट्राई किया, हमेशा ट्राई करता रहा। तो ऑन ड्यूटी रहते रहते फौजी आदमी आपको पता है टाइम बिल्कुल मिलता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, प्रॉपर्टी का काम किया, उसके बाद मैंने फाइनेंस का काम किया, मैंने खुद की डेयरी फार्म चलाई। मैं छुट्टियों के अंदर, साल में फौजी आदमी को 3 महीने की छुट्टी मिलती है और 3 महीने तो कहने के लिए होते हैं, मिलती 2 महीने की है। तो उस 2 महीने के अंदर भी मैं जाके पंजाब से जाके ट्रकों में गायें भर के लेके आता था और अपना डेयरी फार्म चलाता था छुट्टियों के दौरान। मैंने कहा यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो अपना नाम होना चाहिए।
उसके बाद फिर मैंने इसमें भी मुझे कोई बड़ी सक्सेस मिली नहीं। टूर एंड ट्रेवल का मैंने काम किया और जब अपना सीजन का टाइम पे होता है भूसे का गेहूं धान में रखता था और अड़द का भी मैंने काम किया। तो बहुत सारे मैंने काम किए, बहुत सारी कोशिश की और इसी तरीके से जीवन चल रहा था। कोई मुझे बड़ी सक्सेस मिली नहीं। सक्सेस इसलिए नहीं मिली कि मेरा नेचर था बहुत ही साई नेचर था, बहुत कम मैं लोगों से बात करता था, बहुत ही शर्मिले किस्म का मेरा नेचर था। तो लोगों ने मेरा खूब मजे लिए, खूब मतलब मेरे को काफी सारा नुकसान भी हुआ, कभी कभी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। लेकिन जो चीज मैं उम्मीद कर रहा था, जो चीज मैं चाह रहा था, वो मुझे मिली नहीं। और कहते हैं भगवान बोलता है कि जो चाहते हैं आज इंसान जो चाहता है वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसी दौरान मेरा आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ, एनएसजी कमांडो में मुझे जाने का मौका मिला और वहां पे मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग की। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वहां पर क्या होता है, आर्मी आदमी एक नॉर्मल फौजी से कमांडो बन जाता है। तो कमांडो बनने के बाद मुझे लगा कि यार अभी मेरी 12 साल सर्विस हो गई है, 13 साल मेरी सर्विस हो गई थी और मुझे आगे जब जॉब करना नहीं था। मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि यार मैं जॉब कुछ भी हो जाए मैं जॉब करूंगा नहीं, अभी मुझे रिटायरमेंट जाना ही और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बड़ा काम करना है। तो एनएसजी में जाने के बाद फिर मैंने मुझे लगा कि यार कुछ और करना चाहिए। तो वहां पर एक मार्शल आर्ट का कोर्स चलता है, कराटे कोर्स चलता था वहां पे, कराटे कोर्स चलता था और उसको ये बहुत ही डेडली कोर्स होता है। अगर सिविल में हम इस कोर्स को करते हैं तो नॉर्मली टच एंड बैक होता है, लेकिन इस कोर्स वहां पर डेडली कोर्स होता है, मतलब आदमी को बल किल मूवमेंट में मारना ही होता है। तो सिविल में अगर आप ब्लैक बेल्ट लेनी है तो 5 साल लगते थे, लेकिन फौज के अंदर जब आपको ये कोर्स कराया जाएगा तो मात्र 11 महीने में इस कोर्स को करना होता था और 18 घंटे इसकी प्रैक्टिस चलती थी। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो मौका मिलता था उसमें हमारा सीएचएम हमारे साथ खड़ा रहता था, वो बस यही देखता रहता था कि यार इनको ब्रेक टाइम कब हुआ। 4-5 घंटे जो हमें ब्रेक के मिलते थे उसमें बोलता था यार तुमने अपना काम तो फौज का काम तो तुमने किया नहीं, तुम कराटे जो कोर्स कर रहे हो तुम्हारा खुद का है, ब्लैक बेल्ट हो गए तुम खुद अपने पास रखोगे, लेकिन जो भाई फौज का काम कब करोगे। तो उसने फिक्स हमारा काम, दिन में हम 11 बजे आते थे तो हमारे 12 से एक ड्यूटी लगाता था और रात को मैंने मतलब पूरे 12-13 महीने जो मैंने एक कोर्स किया हमेशा 11 से 2 ड्यूटी दी, सुबह 4 बजे फिर दौड़ने जाते थे, ये रूटीन हमारा डेली था। जो बेल्ट हम बांधते थे जो अपना कराटे की जो बेल्ट होती है 11 महीने तक उससे पसीने की बूंद टप 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 टपकती रही और जो नीचे मुझे एक बाल्टी रखनी पड़ती थी, नहीं तो फिर फौज में सुबह सुबह लोग बोलते थे यार तेरी पूरा तूने गीला कर दे इसको पोछा मार के जा। तो ये बाल्टी रखनी पड़ती थी और पसीना कभी सूखा नहीं 11-12 महीने तक। तो बहुत मेहनत की उसमें कराटे में, तो वहां पे बढ़िया कोर्स रहा सारी से। मेरा इतना साई नेचर था, इतना शरीफ था मैं, जब वहां पे हमारे जो संसाई थे जो हमें मार्शल आर्ट सिखाते थे तो वो बोलते थे कि एक आदमी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आएगा, डेमो पीस रहेगा और बाकी लोग यहाँ इस पे फाइट करेंगे मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो उनको कोई मिलता नहीं था तो उठा के मुझे लेके जाते थे, तो बोले शरीफ आदमी मार खा लेगा। तो डेली मतलब मेरा एक ही काम था कि 1000-2000 घूसे लात मेरे को पढ़नी पड़नी थी। लेकिन उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे एक चीज का पता लग गया कि जब बॉडी के पार्ट्स में जब भी कभी किसी मतलब किसी पार्ट्स पे अटैक करते हैं या पीटते हैं उसको तो किस पार्ट्स में कितना दर्द होता है, किससे कितना फर्क पड़ता है। तो ये फायदा जब मुझे, और जब लास्ट में प्रैक्टिस हुई जब फाइनल राउंड हुआ जब मतलब हमारे ब्लैक बेल्ट का, तो मैंने वहां पर नंबर 1 पोजिशन हासिल की और इंडिया के अंदर एनएसजी कमांडो टीम के अंदर नंबर 1 मैंने इस कोर्स में ब्लैक बेल्ट हासिल की, 1 डन लिया। फिर दोबारा मैंने कोशिश की, फिर मुझे लगा कि यार चलो मैंने आर्मी से तो ये कोर्स कर लिया है, मैंने फिर दोबारा ट्राई किया, फिर मैं सिविल के अंदर गया, वहां से मैंने पटियाला में गया, चेन्नई में गया, मैंने फिर दोबारा ब्लैक बेल्ट ली वहां से, तो 2-2, 3-3 ब्लैक बेल्ट आज मेरे पास है। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे इजराइल जाने का मौका मिला, इजराइल आर्मी के साथ काम करने का मौका मिला और एक नया कोर्स जो स्पेशल फोर्सेज मतलब 2 या 3 लोग ही जाते हैं, तो मुझे इजराइल भेजा गया। वहां पर इजराइल आर्मी के साथ मैंने एक नया मार्शल आर्ट सीखा जिसका नाम है क्रोमागा। क्रोमागा एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें बंदे को 3 सेकंड में बंदे को मार सकते हैं। तो मैंने इसके बहुत सारे प्रयास किए, तो वहां से मैंने लगभग 9 महीने का ये कोर्स किया और उसके बाद मैं फिर वापस आया। फिर दोबारा मेरा सिलेक्शन पीकेटी कोर्स के लिए हुआ, तो पीकेटी कोर्स के लिए मुझे फिलीपींस जाना पड़ा, वहां पे मैंने एक कोर्स सीखा। फिर वहां पे 4 महीने का कोर्स करने के बाद मैं दोबारा वापस इंडिया में आया और उसके बाद मैंने यूएसए किया, अनआर्म्ड कमांड के बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए, सिर्फ मारने पीटने वाले मैंने कोर्स किए क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि यार पढ़ाई लिखाई में तो इतना तेज हूं नहीं और अगर कोई कोर्स कर भी लूंगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो मैंने सिर्फ मारने पीटने वाले ही कोर्स किए और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। जितने भी हमारे एज ए ट्रेनर मैं वहां पे एनएससी के अंदर, तो जितने भी हमारे वीआईपी पर्सन है जिनको एनएससी की प्रोटेक्शन लागू है, चाहे आप पहले मोदी जी को मिलती थी अभी तो एसपीजी मिलती है, तो मोदी जी, मुलायम सिंह, करुणानिधि, जयललिता, जितने भी टॉप लोग थे इंडिया के, उनके प्रोटेक्शन में जो लोग जाते थे कमांडो, तो उनको 3 महीने ट्रेंड करके और मैं वहां पर भेजता था, फिर उनके साथ जाता था 5-7 दिन उनके साथ रहता था और ये सारी उनका जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त था वो सारी चीजें करता था। ये मेरा काम था और इसी तरीके से जीवन चल रहा था और मुझे लग रहा था कि यार चलो ठीक है ये सारी चीजें करके और 2-3 साल में और 1-2 अपना लाइसेंस लेके
तो मैंने बाद में लाइसेंस भी लिया और मेरा एक विचार था कि मैं अपना रिटायरमेंट जाके अपना एक खुद का देहरादून के अंदर एक डोजो खोलूंगा और डोजो के अंदर लोगों को ये सारा मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। तो ये मेरी प्लानिंग थी और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा था, काम चल रहा था बस। लेकिन मैंने एक डिसाइड किया था कि यार मैं जीवन में नौकरी नहीं करूंगा। तो वहां पर रहते रहते मैंने और भी बहुत सारे कोर्स किए। मैंने बम डिस्पोजल का एक कोर्स किया जो बहुत ही कम लोगों का मौका मिलता है इंडिया के अंदर। और एक ऐसा कोर्स है, अभी मैं जब रिटायरमेंट आया तो रिटायरमेंट के बाद मुझे लॉकडाउन हो गया तो मैं अपने घर पे नहीं आ पाया एक साल तक। तो मेरे घर पे पुलिस वाले पहुंच गए, 15-20 पुलिस वाले आ गए और आस पड़ोस वाले लोगों को लगा कि यार इसने कुछ लफड़ा कर दिया। तो जब बाद में उनको पता लगा तो जो बम डिस्पोजल का कोर्स करता है तो जो स्टेट पुलिस होती है उसके पास जाती है, उसका सारा डाटा नोट करती है और उसके स्टेट में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी कोई केस इस तरीके का होता है तो उस आदमी को लेकर वो आदमी वहां पर काम आता है। फिर मैंने बीआईपी सिक्योरिटी के कोर्स किए, पीएसओ कोर्स किए, एयर मार्शलिंग का कोर्स किया, पिस्टल के साफ शूटर के कोर्स किए, मतलब लगातार मैंने वो सारे कोर्स किए कि बस चाहे कुछ भी हो जाए कि जैसे 15-16-17 साल मेरी जॉब हो गई तो उसके बाद रिटायरमेंट नहीं करूंगा। और मैंने एक बंदोबस्त पहले से कर लिया था। काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार जब आदमी को प्यास लगेगी तो तब कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने एक बंदोबस्त कर लिया कि यार मुझे एक जरूरत ही ना पड़े मतलब कोई दोबारा नौकरी करने की। ये सारी चीजें मेरी प्लानिंग थी। इसी दौरान मेरी एक मुलाकात हुई एक सबसे मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं और उनका एक दिन मुझे रिंग आया। मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था लड़कों को, तो रात को 8 बजे मेरे पास एक फोन कॉल आता है और उनका मुझे फोन आया कि सुरेंद्र भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही बेहतरीन काम है, बहुत शानदार काम है और आपको भी रिटायरमेंट जाना है, मुझे भी रिटायरमेंट जाना है। तो मैंने कहा सर बताइए क्या काम है, क्योंकि मैं तो कुछ तलाश कर ही रहा था, मुझे तो कुछ करना ही था। और सर का मुझे फोन आया तो मैंने फोन उठाया और फोन करने के बाद मैंने कहा सर बताइए क्या है। तो सर ने उसी दिन स्टार्ट किया था और उनका पहला कॉल ही मुझे आया था। तो मैंने कहा सर बताओ क्या काम है, तो उन्होंने बोला यार मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं तो मैं आपको कल बताऊंगा। तो मैंने कहा सर कल तक का मेरे पास इंतजार नहीं है, 2-3 दिन। बोला आप 2-3 दिन रुक जाओ। तो मैं 2-3 दिन रुका, 2-3 दिन हो गए लेकिन सर का कोई कॉल आया नहीं, शायद सर भी भूल गए होंगे अपने शेड्यूल के अंदर। तो मैंने सर से दोबारा बात की रात को मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 8 बजे और मैंने सर को फोन किया कि सर आप बताइए, आप मुझे वो काम के बारे में बता रहे थे और आपने मुझे वो काम बताया नहीं। तो बोला यार मेरे को भी ज्यादा पता नहीं, तो एक काम कर इधर आ जा। तो मैंने कहा सर अभी रात का टाइम है, अभी कैसे पॉसिबल है, रात में फौज में कोई आउटपास तो देगा नहीं। तो सर ने बोला यार एक काम करके कोई बात नहीं तो उठ के आ जा कैसे भी करके, या फिर एक काम करना संडे को आना। तो मैंने कहा सर संडे का इंतजार नहीं मेरे पास, मैंने कहा आप बताओ करना क्या है। तो मैं कैसे भी करके दीवार दुवाल कूद के और मैं क्रॉस की बाउंड्री और वहां से मैंने एक ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करके मैं समाल का एक जगह है दिल्ली के अंदर, वहां पे सर के पास गया और सर ने मुझे मोटा मोटा बस, क्योंकि सर भी 1-2 दिन पहले ज्वाइन हुए थे, सर को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैंने सर को पूछा करना क्या है, तो सर ने बोला कि यार इस फॉर्म को भरना है और आपका फिर आपको कोई एक प्रोडक्ट लेके बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो मैंने सर को पूछा सर आपने कर दिया, बोला बिल्कुल कर दिया। तो मैंने कहा सर कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो सर ने बोला भाई मैंने 5 ID लगाई है। तो मैंने कहा सर आप मेरी भी 5 लगा दो बस। मैंने शुरुआत ही 5 ID से की और ये मेरी शुरुआत थी। तो मैं एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ मेरे ग्रेट गुरुजी गंभीर नेगी साहब के लिए। अगर वो आदमी मेरे जीवन में नहीं आता तो रियल में ये आदमी आज भी मेरे साथ के काफी सारे साथी हैं जो आज भी 11-12 हज़ार में आज नौकरी कर रहे हैं। ये जब हमने स्टार्टअप किया था, बिजनेस को शुरुआत की थी, तो सबसे पहले हम ऋषिकेश के अंदर गए थे क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं तो थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ऋषिकेश के अंदर ये लक्ष्मण झूला है, इसके पीछे एक मंदिर है, हम उस मंदिर में गए और हमने कसम खाई कि यार दोनों डायमंड बनेंगे किसी भी कीमत पे। ये हमारी पहले की शुरुआती फोटो है और उसके बाद अभी की ये फोटो है। तो अभी बहुत सारा चेंजमेंट, बहुत सारा ट्रांसफर हमारी लाइफ के अंदर हो गया, मतलब बिल्कुल आप और ये जोड़ी हिंदुस्तान की आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की नंबर 1 जोड़ी बनेगी। और सर भी अभी डायमंड है, मैं भी अभी डायमंड लेवल पे हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गंभीर नेगी साहब का। अगर सर मेरे जीवन में नहीं आते और वो रिंग अगर मुझे नहीं आती तो शायद आज मैं न जाने कहाँ होता। तो एक बार जोरदार तालियां आप सब की, सबसे जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से जीवन चल रहा था और ये मेरी पहले की लाइफस्टाइल है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, बस एक टी शर्ट और एक लोअर एक हाफ नेकर में मैं अपना टाइम पास करता था, बस इसी तरीके से चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे सेफ शॉप के अंदर आया तो मुझे ये लगा कि यार इस बिजनेस में आने के बाद अपने को चेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे रहोगे जैसे पहले थे तो जीवन में कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। तो धीरे धीरे मैंने अपने अंदर चेंजमेंट लाने शुरू किए। ड्रेस कोड तो मुझे जब मैं टाई पहनता था तो मुझे लगता था यार, क्योंकि मैं हमेशा वो अपना कराटे की टी शर्ट में रहता था और इंस्ट्रक्टर था, तो मुझे लगता था जब टाई कोट सूट तो मैं चलो पहन लेता था किसी वजह से, लेकिन जब मुझे टाई पहनने के लिए बोला जाता था तो मुझे लगता था यार कोई मेरे गले पे फांसी लगा रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश की और प्रयास करता रहा तो धीरे धीरे मैंने शुरुआत की। ये मेरे पर्ल की एक ही फोटो है। हमेशा मैंने वो काम किए, मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम किए, मैंने कभी किसी चीज पे फोकस किया नहीं है कि चीज पे फोकस किया। कभी लोग फोटो खींचते हैं, इधर उधर सेल्फी खींचते हैं, मेरे पास एक ही फोटो है मेरी और वो है पर्ल की फोटो। इसके अलावा मेरे पास मेरी कोई फोटो नहीं। मैंने बहुत ढूंढी, बहुत कोशिश की, इधर उधर भी बात की लेकिन कोई मिली नहीं, तो एक ही फोटो मिली। तो धीरे धीरे मैंने अपने अंदर चेंजमेंट किए, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आज एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल जी रहा हूं।
बिजनेस की शुरुआत की थी तो मुझे भरोसा नहीं था कि इस बिजनेस में आने के बाद मेरी टीम भी बनेगी, क्योंकि मतलब बहुत साई नेचर था। लेकिन सर से मैंने पूछा कि सर कैसे करना है काम, तो सर ने बोला यार चिंता मत कर, सिस्टम और अपलाइन को साथ में चलते रहना, अगर ये दो बातें तूने लगातार अपने जीवन में डाली तो तेरे साथ बहुत बड़ा काम होगा। तो मैंने उस दिन पहले दिन पूछा सर ये सिस्टम क्या है, बोला चलते रहे आपको पता लग जाएगा। तो मैं धीरे धीरे चलता रहा तो आप सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है सिस्टम की वजह से, ग्रेट अपलाइनों की वजह से। चेक के बारे में बात आई तो मैं सोच रहा था 5-7 हज़ार रुपये आ जाएगा, पेंशन 25-30 हज़ार रुपये आ जाएगी अपने को, और 5-7 हज़ार रुपये अगर आना शुरू हो जाएगा तो मजे आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे काम करते गए शुरुआत की तो पहला चेक मेरा 1,000 का आया, फिर धीरे धीरे ये चेक बढ़ते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे। और चेक के बारे में बात करूं तो मेरा चेक कभी जीरो नहीं होने दिया मैंने, बस मेरा एक ही चीज पे हमेशा फोकस रहा, कभी भी मैंने चेक जीरो नहीं होने दिया। और ये मेरे 2017 का एक चेक है, उस टाइम 2017 फिर 18 फिर 19, और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 125,000 रुपए हफ्ते के एक वीक के कमाए लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जब मतलब पूरी इंडस्ट्री दुनिया सब कुछ बंद था, तब लॉकडाउन में घर बैठे बैठे मेरी छत के ऊपर बैठे बैठे मैंने 125,000 रुपए कमाए। और जो मेरे साथ वाले जो साथी मुझे बोलते थे उस टाइम, मतलब काफी डायलॉगबाजी करते थे, तो अब वो दोबारा मेरे साथ ही सुबह सुबह अपना नागपुर NMC में जाते थे और उनकी ड्यूटी भी कोविड में लगा दी। तो फिर मैं फोन करके उनको धीरे से कॉल करता था, मैंने कहा यार कैसे मजे आ रहे हैं, तो बोला यार तुमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। तो ये सारी की सारी चीजें 125,000 रुपए के चेक और ये सारी चीजें पॉसिबल सिस्टम की वजह से और अपलायनों की वजह से पॉसिबल हो पाई है। और ये मेरी प्यारी सी टीम है, सारी की सारी कमांडो टीम है, एक से एक खूंखार दमदार लीडर है, और ये सारे के सारे 90% लोग इसमें फौजी है। मैं खुद भी एक फौजी हूँ, मेरे फादर भी फौजी है, मेरी टीम भी फौजी है, और मेरे अपलायन भी फौजी है। तो जबरदस्त, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कोई समझाने की, कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल एक इशारे पे, एक उंगली पे किसी भी एक्शन को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बहुत ही दमदार लीडर हैं, और एक बार जोरदार तालियां मेरी पूरी टीम के लिए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे अचीवमेंट है, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो धीरे धीरे, लैपटॉप मुझे कभी चलाना आता नहीं था, आज मेरे पास 3-3 iPhone है, लेकिन मुझे चलाने आज भी नहीं आते हैं, बस थोड़ा बहुत मुझे बस इतना चलाना आता है कि बस मैं अपना काम कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयरिंग कर लेता हूँ छोटी बहुत, और एक दो स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से 2-2 लैपटॉप लिए, 2 सैमसंग के मोबाइल लिए, 3 आईफोन लिए, 3 प्रोजेक्टर लिए, 1 मैकबुक लिया, 8 बार मैंने यहाँ पे ऑन ड्यूटी रहते रहते मैंने 8 बार टारगेट किए, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में टारगेट किए, बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी जब मैं बता नहीं सकता आपको। 3 बार थाईलैंड किए, 1 बार यूरोप ट्रिप किया, 5 बार बेस्ट परफॉर्मर रहा, और अभी मेरे पास इस बिजनेस के माध्यम से एक ब्रेजा कार है। यहाँ से आने के बाद बहुत सारे मैंने ट्रिप किए ऑन ड्यूटी रहते रहते, जब भी जितना जहां भी किसी ट्रिप में मुझे बुलाया गया तो पक्का मैं ट्रिप के अंदर गया। तो पहली ट्रिप में अमृतसर के अंदर गया था, आया टोटल में दिशा ट्रेनिंग के अंदर, और वो मेरी लाइफ की मैंने कोई ट्रेनिंग देखी नहीं थी बिजनेस के अंदर, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे ट्रेनिंग, कोई इवेंट कुछ नहीं देखा था। पहला ही मेरा मतलब जो हुआ था दिशा ट्रेनिंग में अमृतसर में, मेरा आमना सामना सेफ शॉप से हुआ, और उसमें जाने के बाद मैंने डिसीजन लेकर मुझे यही काम करना था। मैंने आते अगले कंपनी कमांडर को मैंने अपने एप्लीकेशन देखी, सर मुझे अब जॉब नहीं करना, प्रमोशन नहीं करना। उसने पूछा तू ऐसा कर क्या रहा, मैंने कहा कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे करना नहीं। फिर उसके बाद अमृतसर गए, मसूरी, जयपुर, जैसलमेर, दिल्ली, आगरा, नैनीताल, गोवा, मुंबई, बहुत सारे ट्रिप में गए जाते रहते हैं, और 3 बार ट्रिप की थी थाईलैंड की, लंदन की, ये जा नहीं पाया क्योंकि ऑन ड्यूटी में थे, लेकिन जब भी मौका मिलेगा इसमें जरूर जाएंगे। ये मेरे मोबाइल लिए थे मैंने यहाँ से, 2 सैमसंग के मोबाइल लिए थे। पहले मैं नॉर्मल से एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल चलाता था क्योंकि उसमें आसान रहता, ये चलाना नहीं आता था अपने को। लेकिन धीरे धीरे फिर आए बिजनेस में, एक लड़के को साथ में रखा, उससे सीखा और सैमसंग के मोबाइल यूज किए। फिर धीरे धीरे सर लोगों ने बताया कि यार अब तेरे बढ़िया है, चेक भी बढ़िया आ रहे हैं, सारे बढ़िया आ रहे हैं, तो कुछ अपने अचीवमेंट लेने चाहिए। तो मैंने फिर एक मोबाइल लिया, आईफोन लिया, दूसरा लिया, मेरे बच्चे ने फोड़ दिया, फिर तीसरा लिया, तो आज 3-3 आईफोन के साथ चलता हूँ। 2-2 लैपटॉप लिए, लैपटॉप मुझे चलाना आता नहीं था, लेकिन फिर एक HP का लिया, दूसरा Dell का लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत मैंने बिजनेस की जो शुरुआत की थी मैंने साइकिल से की थी। 13 साल मेरी सर्विस हो गई थी, और 13 साल सर्विस होने के बाद मैं एक चीज चाह रहा था कि यार मुझे कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो बड़ा करना है, लेकिन पैसे बचाने की मुझे मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। आजकल क्या 40 काफी सारे लोगों से जैसे अभी हम लोग मिलते हैं तो आदमी 8-10 हज़ार 15 हज़ार कमाने में इतना बिजी है, बोलता सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ 15 हज़ार में आदमी, 10 हज़ार में आदमी अपना जीवन कैसे जिताएगा। ऑलरेडी हम फौजी आदमी थे, 45-50 हज़ार रुपये नॉर्मली कमा ही रहे थे, और लाइट, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी हमें मिलती थी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक बाइक नहीं ले पाया, और 13 साल मेरी नौकरी हो गई थी। और कभी कभी बैठ के जब मैं खुद से बात करता था, मैंने कहा 13 साल तेरी नौकरी हो गई है, तेरे पास टाइम बचा नहीं है, 2-3 साल का टाइम है, और तेरे पास अचीवमेंट पीछे मुड़ के देखे तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, और तूने किया भी कुछ नहीं, और न तो मैं ऐसे कोई खाने पीने वाला आदमी नहीं, बिल्कुल साफ बिल्कुल। तो मुझे लगा यार क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस में आया तो पैसा आना लग गया। तो पहले मैंने एक रेंजर साइकिल ली, तो नागपुर में मैंने इस रेंजर साइकिल से काम करना शुरू किया। तो नागपुर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो सिर्फ शॉप में आने के बाद तो लोगों से मिलना पड़ता है, एसोसिएट से मिलना पड़ता है, तो मैं दोपहर के टाइम पे पैडल मारता तो मेरे को पसीना पसीना बहुत आया।
तो मैंने कहा यार इससे बात बनेगी नहीं, तो फिर मैंने एक प्लेटिना गाड़ी ली। प्लेटिना इसलिए ली कि इसका एवरेज बहुत कम था, तो शुरुआत में आदमी की सोच ऐसी होती है, तो प्लेटिना ली। तो प्लेटिना से मैंने काफी दिन काम किया, ये आज भी मेरे पास है। फिर धीरे धीरे पैसा आना लग गया, अचीवमेंट आया, तो फिर मैंने एक पल्सर बाइक ली, और पल्सर बाइक लेने के बाद फिर मैंने यहाँ से मैकबुक लिया, एक बढ़िया सी अपना ब्रेजा कार ली। तो ब्रेजा कार में पहले लेने की सोच रहा था, लेकिन सर ने नागल सर से जब बात हुई तो सर ने बोला थोड़ा सा होल्ड कर लो, अभी आप रिटायरमेंट आ रहे हो तो तब ले लेना। तो मैंने फिर ये गाड़ी ले ली और इसी तरीके से आगे चलता रहा, सफर चलता रहा। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि फौजी आदमी है और हमें एक ही चीज बताती है, फौज में भी 17 साल से एक ही चीज सीखी है कि भैया जो आपको बता दिया जाए बस उसको फॉलो करो, और इसके अलावा हमने कभी ना नुकुर कभी की नहीं, यस सर जी सर यस सर जी सर, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। मैंने हमेशा अपने अपलायंस से एक चीज सीखी है, नेगी सर से मैं हमेशा एक बात बोलता था कि सर अगर आपके साथ मैं बिजनेस में आया हूं तो मैं आपके लिए परेशानियां नहीं बनाऊंगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, आपके लिए प्राउड बनूंगा और आपको मेरे ऊपर प्राउड होगा हमेशा। और मैंने हमेशा वो काम को किया, और मैं एक चीज बोलता था आप बिल्कुल इस काम को मैं हमेशा मतलब बिल्कुल 100% कुछ भी हो जाए अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं और मुझे करना ही करना। तो मैंने हमेशा अपने अपलायनों के टच में रहा, कोई भी सिचुएशन रही हो कोई भी कंडीशन रही हो। नेगी साहब और मेरा आज भी पिछले 5 सालों से हम साथ में, कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम बात नहीं करते आपस में, डेली दो तीन बार बात होती है। और इस ड्यूरेशन में मतलब अलग अलग जगह पोस्टिंग गए, कई जगह मतलब ऐसे इंसिडेंट भी हुए, बहुत सारे केस हुए, तो वहां पर फोन की भी सुविधा नहीं थी, तो सैटेलाइट फोनों से भी हम दो तीन बार बात करते थे आपस में। तो मैं अपलायनों के टच में रहा, इस वजह से मैं बन पाया। और मैं सच बताऊं तो मैं सेफ शॉप को देख के इस बिजनेस में आया नहीं था, क्योंकि किसी को भी कंपनी के बारे में शुरुआत में पता नहीं होता। मैं इस बिजनेस में आया था नेगी साहब को देख के, उनका एक्साइटमेंट, उनका जोश और उनका जो बात करने का जो काम और उनका जो भरोसा था, मतलब उनको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, शुरुआत से हमेशा लोगों की सपोर्ट करते थे। तो मुझे लगा यार ये आदमी मतलब अच्छा आदमी है और ये हमेशा मेरे साथ काम करेगा। मैंने उस आदमी को पकड़ा और लगातार काम करता रहा। मैंने उनके बिल्कुल पैंट की लुक भी पकड़ ली। मैंने कहा सर जहां जहां आप जाओगे, जैसे जैसे जाओगे, मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा। और आज सर की गाइडलाइन में काम करते करते सर भी डायमंड लेवल पे है और मैं भी डायमंड। दूसरा मैंने काम किया सिस्टम के साथ, में लगातार टच में रहा। मैंने हमेशा जब भी कोई ट्रेनिंग इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, हर ट्रेनिंग फंक्शन में, दिशा ट्रेनिंग में मैं गया हूं। काफी सारे लोगों को जब बोलते हैं कि यार अभी ट्रेनिंग है, दिशा ट्रेनिंग है, फंक्शन है, तो लोग 50 कहानियां सुनाते हैं और बोलते हैं सर छुट्टी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है। पिछले 4.5 सालों से ऐसा कोई इवेंट नहीं, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं जिसमें मैं ना गया हूं, और ऑन ड्यूटी रहते रहते और फौज के सारे काम जितने होते हैं वो सारे किए। दूसरा मैं सिस्टम से टच रहा, मतलब मुझे एक चीज बता दे, कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई किताबों के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे अपलायनों से बात करके हो, चाहे किसी सिस्टम से रिलेटेड कुछ हो, मैं सिस्टम से टच रहा। और इसी टच रहने की वजह से मैं लगातार धीरे धीरे, कभी काम अप डाउन हुआ फौज के अंदर रहते रहते, लेकिन मैं लगातार टच रहने की वजह से मैं लगातार चलता रहा और ये सारी चीजें पहुंच गई। दूसरा मेरी टीम बहुत ही दमदार टीम है, और मुझे ऐसा लगता है, प्राउड होता है कि हिंदुस्तान की सबसे शानदार और जानदार टीम मेरे पास, सारे के सारे कमांडो है। लोग तो कहते हैं कि हमारे पास कमांडो बोलते हैं लोग, लेकिन मेरे पास रियल में ही कमांडो सारे के सारे हैं, एक से एक दमदार। एक बार बोल दो साला अगले की छाती फाड़ के दिखा देते, इतने दमदार, कसम से रियल में प्राउड, दिल से सलूट है मेरी पूरी टीम को। बहुत बढ़िया, अब थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इस बिजनेस में आने के बाद मैंने कोई बहुत ही सिंपल काम किया, क्योंकि मैंने कुछ भी दिमाग लगाया नहीं। मेरे को जो मेरे अपलाइन ने एक बार बोल दिया बात खत्म, इससे ज्यादा यस किंतु परंतु कुछ नहीं लगाया। तो सबसे पहले मैं जब सेफ शॉप में आया था, मैंने एक चीज को महसूस किया कि जब अगर मुझे बड़ा काम करना है तो पहली प्रायोरिटी पे मुझे सेफ शॉप को रखना पड़ेगा, पहला काम। हालांकि मैं जॉब में था, जॉब करना मेरा काम था, वहां से मेरा परिवार चलता था, मैंने उस जॉब में जो काम मुझे करने थे वो भी मैंने बहुत ही बेहतरीन किए, शानदार किए और नंबर वन के किए। लेकिन इसके अलावा जितना भी मुझे टाइम मिला, आधा घंटा, एक घंटा, काफी सारे लोग खाने में डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे निकालते रहते हैं और टीवी लगाए, तो मैं मात्र 5 मिनट में खाना खा के उस एक घंटे के ड्यूरेशन में 2-4 प्लान निपटा कर जाता था, फॉलो अप, जो भी मुझे करनी थी, सिस्टम की एक्टिविटी करनी थी, वो मैं सारी चीज कर लेता था। तो पहला जो मैंने काम किया वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेफ शॉप को रखा। इस ड्यूरेशन में कई सारे काम आए। पहला जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, और मेरी 3 की टीम थी, और तीनों मैंने बताया कि 5 आईडी से मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरी 5 की टीम थी। तो मेरा पहला लाइफ में 13 साल में पहली बार मुझे दीपावली पे छुट्टी जाने का मौका मिला। लेकिन मैं क्या हुआ, मैं सीखने के लिए इतना भूखा था, मैंने कहा इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को कुछ आता नहीं भाई, तो सीखना पड़ेगा। तो मैं पहली बार 10 दिन, अगर एक कोई और मेरी जगह कोई होता तो शायद वो अपने घर पे जाता, परिवार में बच्चों के साथ रहता, लेकिन दीपावली में 10 दिन में जो हमारे ग्रेट लीजेंड है लक्ष्य यादव सर, उनके साथ में रहा, सर के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, और सर का स्पेशल आशीर्वाद रहा सर से। उन 10 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे जो एनएसजी के अंदर, वो बोलते थे यार तू पागल आदमी है,
तो अपना छुट्टी में लोग दीपावली में घर जाते तो यहाँ रुका है, तो मैंने कहा भाई इसका पता तेरे को आज नहीं लगेगा, आज से 2-3 साल बाद पता लगेगा। और आज मुझे वो महसूस होता है, अगर वो दिन, अगर वो दीपावली के टाइम पे अगर मैं वहां पे नहीं रुकता तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, इस बिजनेस को मैं सीख नहीं पाता, और सीख नहीं पाता तो इसको कर भी नहीं पाता। दूसरी एक कहानी, एक छोटी सी कहानी है, हमारी एनएससी के अंदर एक मतलब बहुत ही टॉप मतलब सीक्रेट ट्रेनिंग चल रही थी नेशनल लेवल की, और उसमें बिल्कुल छुट्टी बिल्कुल बंद, कोई भी जाएगा नहीं, किसी भी कंडीशन में जाएगा नहीं। लेकिन मेरे को मेरे अपलाइनों ने, नेगी साहब ने, अलक्ष यादव साहब ने, मनमोहन साहब ने इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया। नागल साहब देहरादून के अंदर जा रहे थे, शायद उनका भी सर का भी पहला प्रोग्राम देहरादून के अंदर था, बोला यार तेरे गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा देहरादून के अंदर और तू इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, कैसे जाएगा? तो मैंने कहा सर कैसे जाऊं बताओ, आपको इतनी बड़ी ट्रेनिंग चल रही है, आपको तो सारी चीजें पता ही है। तो बोला नहीं तेरे को जाना है, तेरे को जाना है। मेरे साथ एक बढ़िया चीज रही कि मेरे अपलाइनों ने हमेशा मेरे को पुशअप किया, आगे बढ़ाया, कभी उन्होंने ये कंडीशन नहीं लगाया कि हाँ चल ठीक है फौजी आदमी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला तेरे को जाना ही जाना है भाई, तू कुछ भी कर। तो मैंने कहा बताओ सर टेक्निक भी आप ही बताओ। तो उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई और उस टेक्निक को फॉलो करके मैं निकल गया छुट्टी। और छुट्टी में गया तो फंक्शन, नागल सर का फंक्शन था, 11 बजे का टाइम था, तो मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा था। तो वाइफ को जो मैंने बिजनेस के बारे में बताया तो वाइफ ने बिल्कुल नानुकूर कर दिया, बोला नहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, तेरे को घुमा के ला के आता हूं। तो मेरे साथ 8-10 लड़के और थे, वो मीटिंग में जा रहे, बाइक से हम लोग जा रहे थे। तो अब मैं जैसे हॉल के अंदर जाने लगे तो मेरी वाइफ ने देखा कि यार ये तो मीटिंग हॉल में लेके आ गया, बोला नहीं मुझे जाना नहीं। उसने वहां पे थोड़ा सा हंगामा कर दिया, तो मैंने कहा यार अब इसको पहले भेजना पड़ेगा, लेकिन पीछे से और भी मेरी टीम के बंदे आ रहे थे। तो मैंने फटाफट बाइक पे किक मारी, मैडम को बिठाया, और दूर मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं वही देहरादून में, मैंने कहा तेरे को वहां छोड़ के आता हूं। तो मैंने कोई रास्ते में वो कहीं ब्रेकर मिल गई, थोड़ा सा ब्रेकर थे और मैंने गाड़ी स्लो नहीं की, तो वो मैडम नीचे जंप खा के नीचे गिर गई और पूरे उसकी कोहनियां घुटने सब मतलब पूरे छिल गए। और मेरे तरफ पीछे से फोन आ रहे उधर से टीम के कि भैया अब कहाँ, और रास्ता हमें पता नहीं कहाँ पर फंक्शन हॉल है। तो मेरे सामने दो ऑप्शन थे, मैं सोचा यार अब करूं तो क्या करूं, अब मैडम को डॉक्टर के पास लेके जाऊं या अपना हॉस्पिटल में लेके जाऊं या फंक्शन में जाऊं। तो मैंने सोचा यार ठीक है मैडम तो कहाँ जा रही है, फिर थोड़ा बहुत रो रहा के ठीक हो जाएगी। तो मैंने किसी दोस्त को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैडम गिरी हुई यहाँ पे थोड़ा लेके जाना हॉस्पिटल। बोला तू कहाँ है, मैंने कहा मैं तो ड्यूटी पे हूँ। और मैंने उस बंदे को फटाफट भेज दिया उधर, और मैं वहां गया मीटिंग के अंदर, गया नागल सर से मिला। और उस दिन मैं नागल सर से मिला तो मुझे एहसास हो रहा है जब एक फौज का एक जवान इतना बड़ा काम कर सकता है तो यार सुरेंद्र पवार तूने चूड़ियां नहीं पहनी, तू भी इस काम को कर सकता है। और फिर धुआंधार तब से नागल सर के टच में आया और फिर काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट एक ऐसी एक और छोटी सी कहानी है, बागपत में गया था। बागपत में मेरा नया काम स्टार्ट हुआ था, मेरी 16 लोगों की टीम थी और उस टाइम मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल से लेके आया था। तो डॉक्टर, मेरा जो रूम था एनएससी में 4th फ्लोर में था, तो डॉक्टर ने बिल्कुल हिलने के लिए मना किया था कि भाई तेरे को कहीं हिलना भी नहीं, मैडम हिलेगी भी नहीं और मेरे को छुट्टी दे दी थी तो तू छुट्टी भी रहेगा। तो मैंने मैडम को बोला यार, मैडम ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बिजनेस में आने के बाद, जब से उसने बिजनेस को समझा। तो मैंने मैडम को बोला यार ऐसे ऐसे मेरी टीम बागपत में गई है और नए नए लड़के हैं तो उनको ज्यादा कुछ पता नहीं, तो मुझे जाना चाहिए उनके साथ। तो बोला ठीक है आप चले जाओ। तो बोला कितने दिन के लिए जाओगे, मैंने कहा बस एक दिन के लिए जाऊंगा। और एक दिन करते करते क्या हुआ, जब वहां पे काम करना शुरू किया तो एक मूवमेंट बना और फिर मुझे लगा कि इस मूवमेंट में मैं अगर छोड़ के आ जाऊंगा यार तो वो बात नहीं बनेगी। तो मैं वहां पे 10-12 दिन निकाल के आ गया। और जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद तो मेरी मैडम ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो पड़ोस में एक हिमाचल की एक लेडीज थी मेरे पास, उसने आते मेरे को गालियां देनी शुरू कर दी। तो मुझे लगा, मुझे सोचा यार ये हो क्या रहा है। तो जब उसने पूरी कहानी बताई कि भैया खाना हम खिला रहे हैं आपकी मैडम को, हॉस्पिटल में लेके चले गए सारी, और आप कहाँ घूम रहे हो और आप छुट्टी पर हो, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है और हमेशा भगवान ने मेरा साथ दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मेरा अगला, मैं नागपुर के अंदर पोस्टिंग था, मैं हॉस्पिटल में मैडम को लेके गया था, छुट्टी पे ही था। तो मैं वहां पर बाहर बैठा था, मैडम को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गया, डॉक्टर लेके गया। तब तक मुझे पीछे से एक बंदे का फोन आया कि सर आपको प्लान में चलना है। शायद उसको पता नहीं था वो प्लान 30-35 किलोमीटर दूर था। तो मैं सोचा मैं असमंजस में पड़ गया, मैंने कहा यार अभी करूं तो क्या करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ सो, पहले टीम के साथ चलना है। मैंने मैडम को बोला थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल जब तक आता हूं तब तक बढ़िया खुशखबरी सुनाना। मैं गया और प्लान करके आया, बंदे ने डीडी भी दी, वापस आया तो डॉक्टर ने बोला बधाई हो आपका लड़का हुआ है। तो सारी चीजें ऊपर वाले ईश्वर की, थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट अगला जो मैंने काम किया, मैं हमेशा मेरे अपलाइन के टच में रहा, क्योंकि हालांकि मेरा साई नेचर था और मैं ज्यादा अपलाइनों से भी ज्यादा कम बात करता था, लेकिन मैंने जीवन में एक चीज समझ ली कि मैंने कहा एक आदमी तो मेरे जीवन में ऐसा हो जिससे मैं अपने खुल के पूरे जीवन की बातें कर सकता हूँ। तो मैंने उसमें गंभीर नेगी साहब को चुना और उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, सारी चीजें समझते थे, फौजी बैकग्राउंड से थे। तो मेरे उनसे बस उनसे मेरे डेली कॉन्टेक्ट सिस्टम से, ट्रेनिंग से, परिवार से लेकर जो भी चीजें थी उनसे मैं हमेशा बिल्कुल चिपक के रहा। और उनकी वजह से, अपलाइनों की वजह से, अगर वो इस बिजनेस के अंदर नहीं होते और मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं बिजनेस में आगे वर्क, बेसिक काम मैंने किए बस, बेसिक काम के अलावा मुझे करना भी कुछ नहीं आता है, ना तो पहले आता था ना तो आज आता है। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ आज भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज ना करके अगर हम सिर्फ उतना टाइम प्लान होल्डर लेके अपना प्लान देना शुरू करें। अभी भी मैं जलंधर के अंदर बैठा हूँ, मेरे घर से बाहर हूँ और पिछले 1-1.5 महीने से यहीं हूँ, अभी डेरा यहीं पे जमाने का विचार है सर। तो मेरा एक ही काम है, बस अपना प्लान फोल्डर उठाता हूँ, कोई उठाए ना उठाए मेरी टीम में उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरा काम है अपना प्लान फोल्डर उठाना, बैग उठाना और ग्राउंड में कूद जाना, बाकी कोई करे ना करे उससे मतलब नहीं। सिर्फ बेसिक काम किए, लिस्ट बनाना मुझे आता है, इनवाइट करना आता है, प्लान करना आता है, फॉलोअप करना आता है, अगर ये 4-5 चीजें बेसिक चीजें हमें आती है तो बस घबराने की जरूरत नहीं है, धुआंधार ग्राउंड में कूदो और कोई माई का लाल नहीं हमें रोक सके, कोई नहीं। जब मैं बन सकता हूँ यार, मैंने 6th में ABCD सीखी है, 6th क्लास में, कल मैं स्लाइड बना रहा था, सर का मुझे सुनहरी सर का फोन आया, बोला यार संडे को आपको ये मीटिंग करनी है। सर मैंने कहा एक दिन का मुझे टाइम दो, मुझे स्लाइड किसी से बनवानी पड़ेगी। सर ने बोला तुमने स्लाइड बनाई नहीं, मैंने कहा सर बनाई तो है लेकिन फिर थोड़ा उसमें हेर फेर करना पड़ेगा। तो और ऊपर वाले ने फिर आशीर्वाद दे दिया सर का, सोमवार को कल फिर और कोई ट्रेनिंग थी सुबह के टाइम पे अल्टीमेट अचीवर के पैनल पे, तो एक दिन का मुझे और टाइम मिल गया। तो मैंने एक लड़के को लेके आया, उससे बोला भाई ऐसे जी 2-4 स्लाइडें बना दे फिर बाकी जो बात करनी है। तो सिर्फ मैंने यही काम किए, बस लिस्ट बनाए, 24 घंटे मेरे पास लिस्ट में अपने पास रखता हूँ, इन्विटेशन दे जहां भी मुझे मौका मिला, इन्विटेशन के प्लान फॉलो। फौज में भी रहते रहते मैंने ऐसे किया, बस जो जहां मिला गार्ड कमांडर साथ में तो उसको वहीं पे पेपर पे गोले काट दे। मैंने कहा तू भी पेंशन जा रहा सर, आप भी पेंशन जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा हफ्ते का इतने का चेक आता है। वो बोला यार तेरा कैसे आता है, मैंने कहा ऐसे आता है, एक सामान लेना पड़ता है बस, और मतलब जहां मिला जो मिला उसको धुआं। डेली क्लोजिंग पे फोकस रखा मैंने, डेली क्लोजिंग सॉरी हर दिन मैंने क्लोजिंग पे फोकस रखा। ऑन ड्यूटी में रहता था, हालांकि प्लानिंग करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि फौज की सारी एक्टिविटी, लेकिन मेरा बस एक काम था। पिछले अभी मैं 1 हफ्ते पहले लुधियाना के अंदर गया था ग्रेट सर, वहां पर मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गए, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनको प्लान दिखाया, तो बोले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतना पैसा कमा रहे 100-100 लाख रुपए हफ्ते के आ जाए। तो मैंने कहा सर आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं आपको प्रूफ दूंगा आपको, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है। मैंने पेपर पे लिखा ऐसे करके, मैंने कहा आपको जो जो चीजें चाहिए इस पे लिखो, और अगर आपको मैंने प्रूफ करके दे दी तो आपको इस बिजनेस को करना पड़ेगा। बोला ठीक है डन। तो उसको लगा ऐसे फेंक रहा है, क्योंकि उससे पहले 10 दिन पहले उसके पास एक दूसरी कंपनी का बंदा गया था, और दूसरी कंपनी का बंदा गया तो उसने बोला मेरी 500 की टीम है, 50,000 रुपए महीना कमाता हूँ। तो उसने बोला भाई पढ़ा लिखा आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोला दिखा, तो उसने दिखाया नहीं, वो दांत दिखा के निकल गया। लेकिन उसको लगा कि यार ये आदमी भी ऐसी बात करेगा, तो मैं उसके पास गया, लेकिन मैंने उससे एक चीज बोली कि सर मैं जो भी आपको बात बताऊंगा टेस्ट एंड प्रूफ होगी, आप कुछ भी कर लो। तो उसने बोला, मैंने कहा आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला, मैंने कहा चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोला मुझे 26 अल्फा चाहिए, और मैं फौजी आदमी मुझे कुछ बताया नहीं गया 26 अल्फा क्या होती है, लेकिन मैं कुछ देर के लिए मतलब मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार करूँ तो क्या, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा तो सेफ शॉप का सिपाही है, तो साला कमांडो है तो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा रुक जाओ सर एक मिनट बस। तो मेरा जो ITR फाइल करता है, मैंने उसको फोन किया, और मैंने उस बंदे को फोन करने के बाद मैंने उसको फोन किया, तो उसने बोला, मैंने कहा ऐसे कोई फॉर्म होता है, बोला हाँ। तो मैंने कहा भेज दे, तो उसने फटाफट भेजे। मैंने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना पूरा दिखाया पिछले 5 साल का, 5 साल का उसने देखने के बाद उसमें मात्र एक वीक ग्रेट सर 1 हफ्ते का चेक नहीं बना था बस, और उसने बोला ठीक है आपका काम बढ़िया है, 1 नंबर का है ये सारी, बोला 26 अल्फा से बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रूफ नहीं है। तो बोला उसने साइन किया और भगवदगीता लेकर स्टार्ट कर दी। तो मैंने इस चीज की, अगर मैं फोकस नहीं रखता और कोई मेरे से मांग लेता कि भाई अपने चेक दिखा, तो मुझे भी शायद ऐसी कर उस बंदे की तरह करना पड़ता। 100% यूजर रहा सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहे जो भी हो, हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन मैंने सब चीजें सीखी है, अपना ID बनाना, प्लान देना, रजिस्ट्रेशन करना, इन्विटेशन करना। पहले मैंने उंगलियां, पहले मैं पेपर पे लिखता था, ऐसे में एक रजिस्टर रखता था ग्रेट सर, और मैं लिखता था सबसे पहले www.sipsofindia.com खोले, फिर इसमें ऐसे करके मैंने लिखना शुरू किया धीरे धीरे, फिर प्रैक्टिस करता रहा तो धीरे धीरे ऐसी चीजें पॉसिबल हुई। अभी मैं जब किसी के पास जाता हूँ ऐसे सूट वूट पहन के जाता हूँ, तो आदमी बोलता है मैं एक डॉक्टर को प्लान देने गया नागपुर के अंदर, तो मेरे से इंग्लिश में टॉक करने लगे। मैंने कहा सर ग्रेट सर थोड़ा सा आप अगर हिंदी में बात करोगे तो बढ़िया रहेगा। बोला यार कैसे क्यों, मैंने कहा सर थोड़ा सा हमारे इसमें थोड़ा हाथ कमजोर है। तो बोला यार आपको देख के लगता नहीं, तो बोला आप ये मैकबुक और आईफोन और ये ऐसे ऐसे कैसे चलाते हैं। मैंने कहा सर इसमें मुझे बस इतना आता है, मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ और जो मेरा काम है वो मैं कर लेता हूँ बस, इससे ज्यादा मुझे सीखने की भी जरूरत नहीं है, कभी कभी ज्यादा सीखना भी खतरनाक होता है। तो मैंने कहा जितना मुझे जरूरत है मैं उतना सीखता हूँ और करता रहता हूँ। तो मैंने सर ग्रेट सर ये सारे काम किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम किया पहले दिन से। मुझे किसी भी अपलायन ने कभी बताया नहीं कि तेरे को ये काम करना है, ये लैपटॉप लेना है, प्रोजेक्टर लेना है, खुद का वेन्यू चलाना है। थ्रेसर लेवल पर ग्रेट सर मैंने 1.5 लाख के टूल लेके मैं काम करता था, 1.5 लाख के टूल, क्योंकि फौजी आदमी थे, ट्रेनिंग लेने का मौका कम मिला, मतलब बहुत, क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग संडे ट्रेनिंग में मौका मिलता नहीं था। तो मैंने क्या होता है एक अपना MP3 होता था, मैं दिल्ली में जब रहता था तो दिल्ली में एक ऑर्डर देता था, मैं 40-50 MP3 लेता था, उसमें खजाना ऑडियो हमें मिली थी सर लोगों के माध्यम से, सबके कान में वो डाल देता था। टूल के साथ ही मैंने एड आउट किए थे कि टूल के साथ उसको देता था,
और डेढ़ डेढ़ पौने दो दो लाख के मैं टूल लेके फ्रेशर लेवल से सारी चीजें की, जब भी मौका मिला रिस्पॉन्सिबिलिटी लैपटॉप लेने का मौका मिला, प्रोजेक्ट लेने का मौका मिला, सब काम शुरू करके और सबसे पहले शुरुआत खुद से की। खुद से लॉकडाउन हुआ था तो हम लॉकडाउन के अंदर सोच रहे थे यार, पहले तो फिजिकली ग्राउंड में काम करते थे, लॉकडाउन हुआ तो सोचा यार काम कैसे होगा, तो फिर पहला डिसीजन मैंने लिया, मैंने कहा मेरी टीम में पहला डिसीजन अगर कोई लेगा तो मैं ही लूंगा। सेफ शॉप के अंदर भी पहला डिसीजन योगेश यादव सर ने लिया था, सर के लिए भी जोरदार तालियां। सर ने 5 लाख का भगवत गीता का ऑर्डर मारा और अगला जो ऑर्डर मारा सुरेंद्र पवार ने 2 लाख का ऑर्डर मारा ग्रेट सर, और उस ऑर्डर को देख के लोगों में मतलब एक मतलब पूरी एनर्जी आ गई और 55 लोगों ने मेरी टीम से 1-1 लाख के ऑर्डर मारे, उससे ऊपर के ऑर्डर मारे, और एकदम मतलब नेटवर्क के अंदर बूम आ गया, मतलब लोगों को लगा कि यार हाँ यार ऐसा हो सकता है, और लोगों ने धुआंधार काम किया, पर भी चेक पे रखे तो चेक का मैंने बता दिया ग्रेट सर, चेक बनाना सबसे इंपोर्टेंट काम है। हम लोग काफी सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस सब काम करते हैं, सब काम किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो वीडियो सुनते हैं, बस एक काम नहीं करते हैं, अपने चेक नहीं बनाते हैं। और चेक बनाना सबसे जरूरी है, आप 1000 का ही चेक बनाओ लेकिन बनाओ जरूर, किसी को हम दिखा सकते हैं यार, स्लाइड पे दिखा तो सकते हैं कि भाई मेरा 1000 का चेक बनाए और देख आता है कंपनी के, लेकिन अगर बनाए ना सब काम करे और चेक ना बनाए तो मुझे ऐसा लगा कि सारी बातें जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि सब बातों की एक ही बात है टारगेट जीतो मेरे भाई, तो मुझे भी ऐसा लगा कि सब बातों की एक बात है बस चेक बनाओ मेरे भाई, अगर चेक बना लोगे तो सबकी बोलती बंद, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ काम करेगा, तो चेक बोलता है। इसके बाद ग्रेट सर जब से मैं बिजनेस के अंदर आया तो मैंने हमेशा मैंने शुरुआत में 5 आईडी से की, और मैंने हमारे जब तक मैं ग्रेट सर एमरल्ड लेवल पे था ना तो हमने अपनी टीम में हर आदमी को ट्रायंगल से स्टार्ट करवाया, ट्रायंगल सिंगल को तो पता ही नहीं था हमें कि यार सिंगल लगती भी है, वो बाद में पता लगा जब लॉकडाउन आया, मतलब मुझे और अपलाइना ने मुझे काफी चीजें बताई भी नहीं, और वो उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कहा यार इसको बता दूंगा फौजी जाट है पता नहीं क्या कर लेगा, उन्होंने बोला भाई 3 आईडी से बिजनेस की शुरुआत होती है, 5 या 3 से होती है, तो मैंने मेरे टीम में भी वही डुप्लीकेशन किया और 3 और 5 ही किया, एक को तो पता नहीं था, और लॉकडाउन में फिर जब आए तो थोड़ा सा तब पता लगा कि हाँ यार हाथ चल भी कोई लगती है ऐसे कुछ होता था, वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत में बस एक ही काम किया ट्रायंगल और फुल सेल, ट्रायंगल फुल सेल, सिंगल का तो मतलब नहीं, सिंगल को 8000 पहले 7872 का पैकेज आता था, कोई लेके आता था मैंने कहा तेरी जरूरत नहीं भाई ऐसे बहुत घूम रहे जा कर ले कहीं जा करना वहां कर ले काम, तो फिर बाद में खुद घूम के इधर उधर से एडजस्ट करके लेके आता था, तो इस पे हमने फोकस किया। दिशा ट्रेनिंग का मेरे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ग्रेट सर, मैं इस बिजनेस में जब आया तो पहली ट्रेनिंग ही मेरी दिशा ट्रेनिंग थी, और मैंने दिशा ट्रेनिंग से सच बताऊं तो कुछ भी नहीं सीखा, मैं वहां पे गया था एक लोअर टी शर्ट में पहन के, मेरे साथ एक मेरे बोलू शर्मा साहब गए थे, तो मैं एक लोअर टी शर्ट में वहां पे गया फौजी आदमी था, तो मेरे को अपलाइनों ने मोटिवेट किया था कि यार अपना भाई अपना बढ़िया बहुत ही फाइव स्टार होटल में होगा फंक्शन होगा ऐसा होगा, तो मैं वहां पे गया लेकिन ये नहीं बताया कि सूट शर्ट भी लाना है, तो मैं वहां गया लोअर टी शर्ट में, तो वहां पे जैसे मैं गेट के अंदर गया तो जो गेट खोलने वाला गेट कीपर होता उसने मेरे को सलूट मार दिया, और मैं अपने को ऊपर से नीचे देखूं, मैंने कहा यार हो क्या रहा है, उसके बाद मैं वहां गया तो मैंने एहसास हुआ कि नहीं यार ड्रेस कोड सबसे पहले सिलवाना चाहिए, तो मैंने भोलू शर्मा जी को जाते बोला, मैंने कहा भाई सबसे पहले जाएंगे बनिया के पास और पहले 2 सूट का ऑर्डर देंगे। मैं वहां ट्रेनिंग में गया तो ट्रेनिंग में वहां जो बात इतनी छोटी छोटी उम्र के लड़के बिल्कुल कोट पैंट शर्ट बूट में घूम रहे थे, मैंने कहा यार जब ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, मैंने कहा काम तो करेंगे भाई। फिर वहां देवेंद्र शर्मा साहब और सुनील लाल साहब की दिशा ट्रेनिंग चल रही थी तो बातें मेरी सारी ऊपर से निकल गई, लेकिन एक बात मैं वहां से पकड़ के लेके आया कि यार ये लाइफस्टाइल जो ये लोग जी रहे ना मां कसम कुछ भी आज सुरेंद्र पवार तेरे को भी जीना है, कुछ भी हो जाए कुछ भी समझ में नहीं आया मां कसम कुछ भी समझ में नहीं आया, बस एक ही बात समझ में आई है कि ये लाइफस्टाइल तो जीनी है बस, और अगर कोई भी आदमी किसी ट्रेनिंग में जाए और एक बात अगर पकड़ ले और मुट्ठी बांध ले तो मां कसम डायमंड बनकर दिखा रहा हो, डायमंड बनने से पहले रुकेगा नहीं हो। बहुत बड़े थैंक यू ग्रेट सर। उसके बाद अगला जब भी कोई फंक्शन हुआ, पिछले 4.5 सालों से मैंने छुट्टी फौज अपने इवेंट के हिसाब से नहीं ली, उस ड्यूरेशन मेरी डिलीवरी भी हुई, वाइफ के फंक्शन भी हुए, घर में शादी भी और भी प्रोग्राम हुए, बच्चे का बर्थडे पार्टी कब हुआ ना तो मेरे को पता है ना तो बच्चों को पता है उनका बर्थडे भी होता है, फंक्शन के हिसाब से और दिशा ट्रेनिंग के हिसाब से मैंने छुट्टियां ली। अभी भी ग्रेट सर पिछले साल के जो मनमोहन साहब और धुरंधर सर साहब का जो फंक्शन था डायमंड शिप का, 4 लाख की टिकट मेरे पास है, पहले ही फर्स्ट डिसीजन मैंने लिया, वहां पे जैसलमेर ट्रिप पे हम लोग गए थे, आप भी गए थे ग्रेट सर, आपका भी स्पेशल आशीर्वाद मिला था, और सर नागल सर ने बोला कि भाई दो मेरे पास दो टिकट है 200 कौन लेगा सबसे पहले, मैंने कहा ग्रेट सर मैं लूंगा जितनी है मेरे को दे दो, फिर 200 की बाद में और 200 टिकट और ली थी, 4 लाख की टिकट अभी भी मेरे पास है, जब भी वो इवेंट होगा वहां पर सारी चीजें हो जाएंगी। टीचिबल रहा ग्रेट सर, जब से मैं बिजनेस के अंदर आया मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा, मैं एक चीज जानता था कि यार मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो मुझे औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो पहले से हम लोग कर ही रहे थे फौज में भी 18-18 घंटे 20-20 घंटे प्रैक्टिस कर ही रहे थे, तो मैंने कहा यार अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो एक किताब को एक बार जब मैं पढ़ता था ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था तो मैं उसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़ता था, हाईलाइट करता था, नोट्स बनाता था, और धीरे धीरे किताबें पढ़ने की वजह से इतनी बेहतरीन समझ बन गई
कि यार बिजनेस में मतलब पहले ये समझ में आया कि यार आप इसको करना है, कुछ भी हो जाए करना ही करना है, बस सिस्टम के टच में रहा, अपलाइनों के टच में रहा, जोड़ी बना के काम किया मेरे सर। जब से मैंने बिजनेस की शुरुआत की पहला ही दिन, ये ऊपर वाले की परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि पहले दिन जिस आदमी ने मुझे बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया वो लगातार मेरे साथ में, उनका स्पेशल आशीर्वाद साथ में रहता है, वो भी आज डायमंड लेवल पे, मैं भी डायमंड लेवल पे, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का तुरंत पहला जो प्लान दिया वो मेरे को ही दिया, और आज हम दोनों ने पहले दिन से जोड़ी बना के काम किया लगातार। एक एक चीज हमारा जो कॉम्बिनेशन था, जो हमारी जो टाइमिंग थी, जो मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी बेहतरीन थी। जब मैं गाड़ी चला रहता था पूरे पूरे दिन काम करते थे, सर को पता रहता था यार आप पूरे दिन काम हो गए, इसको भूख लगी है, तो सर खुद ही गाड़ी रोक लेते थे, यार चल भूख लगी है चल खाना खाते हैं। कभी मेरे जेब में पैसे नहीं होते तो सर को आइडिया होता था, कभी मुझे आइडिया, सर उनके जेब में नहीं होते तो मुझे आइडिया, मतलब बहुत ही बेहतरीन तालमेल हमारा था, और इस तालमेल की वजह से बहुत बेहतरीन काम हमारे साथ हुआ है, और बहुत जबरदस्त आने वाले टाइम पे ग्रेट सर, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ये जोड़ी हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के नंबर वन जोड़ी बनने वाली है। सेल्फ मोटिवेट रहा, किसी भी अपलाइन ने मेरे को मोटिवेट नहीं किया, ना तो मेरी टीम ने, मैंने जिस दिन फंक्शन देखा था दिशा ट्रेनिंग, मैंने उस दिन कसम खा ली थी कुछ भी हो जाए डायमंड तो बनना है बस, कोई नहीं तो क्या होता है लोगों को धक्का मारना पड़ता है, चल प्लान करा निकल घर से बाहर निकल, नहीं ऐसा नहीं, सेल्फ मोटिवेट रहा। कभी कभी मेरे को बस मैं पूछता था सर लोगों से कि सर फंक्शन कब है, ट्रेनिंग कब है, इवेंट कब है, आप बताओ मुझे करना क्या है, और यहाँ लोग फोन कर करके थक जाते हैं, बंदा फोन उठाने के तैयार नहीं, तो मैं सेल्फ मोटिवेट रहा, किसी ने मेरे को आगे मोटिवेट नहीं किया, लगातार मैं इसी के ऊपर काम करता रहा, सिंगल माइंड रहा, किसी की बात मैंने सुनी नहीं, मेरे परिवार के लोगों ने भी, मदर फादर ने भी। अभी मैं छुट्टी गया था 4.5 साल बाद ग्रेट सत्र में छुट्टी गया, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनाऊंगा मैं अपने घर के दहलीज पे नहीं जाऊंगा। 4.5 साल बाद मैं लॉकडाउन में गया, ये भी लॉकडाउन हो गया तो शायद, नहीं तो नहीं भी जाता मार्च के अंदर। तो जब मैं मेरे घर पे गया तो मेरी मदर मेरे को समझा रही है कि बेटा मैंने देखो तेरे साथ वाले हवलदार बन गए, अब तू जेसीओ बन जाता और तेरे बिल्कुल मजे आते, तो मैं उनको बोला नहीं, मैंने कहा कुछ समझा तो सकता नहीं क्योंकि मदर फादर को हम क्या समझा सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो माता जी, लेकिन अभी तो मैं आ गया हूँ। लेकिन मैंने फिर सोचा मन मन के अंदर, तो मेरे साथ मैंने कहा कितने साफ लोग और कितने मतलब अपनी इतनी बड़ी सारे फौजियों की टीम है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की, तो सिंगल माइंड काम करता रहा। नेगी सर ने जो बात बता दी, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, सिस्टम से रिलेटेड हो, अपलायनों से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, मैंने उस बात को बिल्कुल आंख बंद किया और मैंने कहा सर बिल्कुल आपका अनुमान जो आप बोलोगे वो कर लूंगा। बिल्कुल सेफ शॉप के अलावा ग्रेट सर मुझे एक भी कंपनी का प्लान पता नहीं, एक भी कंपनी का, इस कंपनी में ये प्लान होता है, ये होता है, ये होता है, कुछ नहीं, और कोई मेरे सामने आया भी नहीं, और आया तो साले कि मैंने छाती में पंच मारा भगा दिया, मैंने कहा गलती से नहीं आना इधर, अपन एक ही काम करता है सेफ शॉप, बात खत्म, दोबारा शक्ल नहीं दिखाना, अगर तेरे को करना है तेरी कंपनी बढ़िया तो अपना काम कर, मेरी कंपनी मेरे लिए बढ़िया मैं अपना काम करूंगा। सेफ शॉप के अलावा जब तक जीवन में सांस है तब तक एक ही काम करेंगे, सेफ शॉप सेफ शॉप सेफ शॉप। मैंने कोई नहीं आया, कई लोग आ रहे थे बीच में मुझे प्लान देने, बीच में बाइक बोर्ड और कई दो चार कंपनी आई थी, जब मैं नागपुर के अंदर काम करता था सेंटर में था, तो मेरे पास आया, मैंने कहा गलती से मत आ जाना फोड़ दूंगा, दूर ही रहे, तेरे को जो करना कहीं और कर ले। तो अब उनको पता था मतलब कराटे वाला गरम दिमाग का आदमी, तो बोला यार दूर ही रहो ठीक है। उसके बाद ग्रेट सर, तो मैंने कमिटमेंट किया, जब भी मैंने किसी से कमिटमेंट किया तो या तो मैं करता नहीं हूँ, या तो मैंने अगर कर लिया तो उसको 100% मैं निभाता नहीं हूँ। अगर मैंने एक बार बोल दिया कि मैं सर इतने तारीख को आपके पास आ रहा हूँ, इतने बजे आ रहा हूँ, तो कुछ भी हो जाए, चाहे कंडीशन कोई भी रहे, चाहे घर में शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई प्रोग्राम हो, मैं सारी चीजें अवॉइड करके, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी मेरा कमिटमेंट है, बस कुछ नहीं। एक बार अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैं इतने बजे मेरी टीम में आऊंगा, अगर मैं फंक्शन में मैंने बोल दिया मैं आऊंगा, तो फिर मैं आऊंगा या आऊंगा कुछ भी हो जाए। ऐसे एक केस हुआ था, मेरा एमराल्ड का फंक्शन था ग्रेट सर, और फौज ने बिल्कुल छुट्टी बंद कर दी, और मैंने नागल सर को बोला, नागल सर को मैंने बोला सर ऐसे ऐसे कंडीशन है, सिचुएशन बन नहीं रही है, तो बोला नहीं तेरे को तो आना ही है, अप्लाई तो हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आऊंगा, और मेरी जगह बिल्कुल हमारे गेट पे लगा दी, आरपी गेट के ऊपर लगा दी, बोला भाई तेरे को जाना ही जाना है, नहीं तेरी ड्यूटी है। तो मैंने आरपी गेट पे अपनी जगह सिविल बंदे को खड़ा करके राइफल पकड़ा दी रात के टाइम पे 11 से 2, मैंने कहा रात में तेरे को कोई चेक नहीं करेगा ड्यूटी, जैसे को क्या पता है, हर सेंटर में डेली बंदा चेंज होता है, तो उसको मैंने ड्यूटी पकड़ा दी। मैं फ्लाइट से गया, फ्लाइट से पूरा प्रोग्राम देख क्या बिल्कुल टनाटन, अगले दिन रात को ड्यूटी में भी चला गया, कपड़े मैंने गाड़ी में मंगवा लिए और ड्यूटी भी चला गया। तो मतलब जो कमिटमेंट कर दिया ग्रेट सर उसको 100% निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद टारगेट लॉकडाउन में ग्रेट सर जो हमने डिसीजन लिया था ट्रायंगल की वजह से, और जो मैंने एक ऑर्डर मारा था 2 लाख का पहला ऑर्डर, उसकी वजह से लॉकडाउन के ड्यूरेशन में 37 टारगेट मेरी टीम से हुए। और मैं सोच रहा था यार पता नहीं कब डायमंड बनूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम एमराल्ड लेवल पे था, और मैंने कहा रिटायरमेंट आ गया, फिर ये लॉकडाउन हो गया, पता नहीं कब डायमंड बनूंगा और क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं एमराल्ड लेवल से रूबी बना, रूबी से क्रॉल बना, क्रॉल से डायमंड बन गया, और ये पता ही नहीं लगा इस सफर, मतलब छत में बैठे बैठे ही हो गया ग्रेट सर, रूम पे बैठे बैठे जूम से डायमंड बन गया सर।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जूम का भी जोरदार तालियां जूम के लिए भी जिसने जूम को बनाया, नहीं तो जूम नहीं होता तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। कार्डिनल रूल को मैंने खुद फॉलो किया, ग्रेट सर जितने भी हमारे सिस्टम के रूल हैं उनको 100% फॉलो किया, और फौजी लोग हमारे नेटवर्क में 90% फौजी लोग हैं तो मैंने फॉलो किया तो वो भी 100% फॉलो करते हैं। ये बेसिक काम मैंने किए ग्रेट सर, और ये सारी की सारी चीजें मैंने की, और मेरा एक कमिटमेंट है ग्रेट सर इस जनवरी के अंदर इसी बिजनेस के माध्यम से एक फौज का सिपाही जिसने शुरुआत की थी साइकिल से, मैंने बिल्कुल ऑडी A4 बिल्कुल तैयारियां चल रही है, नागल साहब से बात हो गई है बिल्कुल, और ऑडी A4 इस बिजनेस के माध्यम से लेने वाला हूँ। इसी साल दिसंबर 2022 के अंदर मैं ग्रेसर मरकरी बन के आ रहा हूँ, 2 करोड़ का घर देहरादून में बना रहा हूँ, जमीन ले ली है मैंने बिल्कुल टकाटक बिल्कुल राजा जी नेशनल पार्क के साथ में हाईवे के ऊपर देहरादून में, और खुद की कैंपिंग और 51 लोगों को कैंपिंग लेकर 2021 के अंदर आ रहा हूँ 30 लग्जरी कार के साथ। ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा खुद से वादा है ग्रेसर, ये मेरी लग्जरी कार है ऑडी A4 बिल्कुल मस्त जबरदस्त, पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, तो मैंने कहा यार कार लेंगे लंबी वाली लेंगे ताकि लोगों को दिखे भी यार, है ना। और ये मेरा ड्रीम हाउस होगा जिसमें बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनाऊंगा और फर्स्ट क्लास वाइफ के साथ बच्चों के साथ रहूंगा, और इस टारगेट को पूरा करने में ग्रेट सर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते अपने को, साला एक बार कमिटमेंट कर दिया कमांडो का कमिटमेंट है 100% निभा के दिखाएंगे, ये बात है। उस परम पिता का साथ अपने साथ है, भगवान का आशीर्वाद है, ग्रेट गुरु जी लोगों का आशीर्वाद है, और मेरा माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, किसी माई के लाल में दम नहीं रोक दे, ये पूरा करके दिखाएंगे ग्रेट सर। ग्रेट बहुत बढ़िया। और 2025 का ग्रेट सर मैंने मिशन बनाया है 1000 डायमंड के साथ क्रूज के ऊपर दुबई के अंदर 1000 डायमंड किसी भी कंडीशन में 1000 लोगों के साथ हम दुबई के अंदर क्रूज पे जा रहे हैं। और एक चीज मैंने सीखी है ग्रेट सर 5 सालों में, हम किसी भी कंडीशन में हो किसी भी सिचुएशन में हम जो भी है अपनी वजह से, बस तो एक चीज लिखी है आप स्वयं ही अपने जीवन के स्लिपकार हैं, अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे मेहनत करेंगे तो हम बहुत बड़ा इवेंट बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर डंके की चोट पे अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। 4 साल रहते रहते काम किया, जब रिटायरमेंट आया तो सारा लॉकडाउन हो गया, लेकिन अब लॉकडाउन अनलॉक हो गया, सारी ट्रेनिंग है फंक्शन वेन्यू सारे के सारे स्टार्टअप कर दिए, और अब पूरे हिंदुस्तान पे हम कब्जा करने वाले हैं ग्रेट सर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेप्सो का झंडा लहरा देंगे, मां कसम आपसे वादा है। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था परसों कि जनरल बिपिन रावत का फोन और बिल्कुल एक बिल्कुल नए जवान के पास आ जाए तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती, तो मुझे ऐसा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।